चंडीगढ़ में किसान नेताओं के 3 दिन के शांति के आश्वासन के बावजूद शंभू ऑर्डर पर हंगामा, किसान आज फिर दिल्ली कूच के लिए बढ़ सकते हैं। किसानों और पुलिस के बीच शुक्रवार की रात हुई झड़प, शंभू बॉर्डर पर एक छोटे से धमाके के बाद किसानों में अफरा तफरी मची। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोगों ने शाम को किया हंगामा, प्रदर्शनकारियों के बीच फंसा एक टैंकर मुश्किल से निकला। शंभू बॉर्डर पर शुक्रवार को दिन में भी हुआ हंगामा, किसानों ने बॉर्डर पर आगे बढ़ने की कोशिश की, हरियाणा पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी किया हंगामे का वीडियो, किसानों पर पुलिस को उकसाने का आरोप लगाया। हरियाणा पुलिस के वीडियो में हाथ में तलवार लहराते दिखे लोग, कई लोगों के हाथों में लाठी डंडे भी नजर आए। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का हरियाणा पुलिस पर आरोप, कहा कि हरियाणा पुलिस के जवान प्रदर्शन में घुसकर युवाओं को भड़काने की कर रहे हैं कोशिश। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों के बीच पुलिस के जवानों को पकड़ने का किया दावा, कहा इनके खिलाफ डीआईजी ने इंक्वायरी मार्क की है। पंजाब के सभी टोल प्लाजा पर करवाए जाएंगे फ्री, सभी टोल प्लाजा पर मौजूद रहेंगे किसान आंदोलनकारी। पंजाब में सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित बीजेपी के कई नेताओं का घेराव, अगले 2 दिनों तक किसान नेताओं के घर के सामने देंगे धरना। हरियाणा के किसान संगठन आज कुरुक्षेत्र में करेंगे ट्रैक्टर मार्च, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में होगा मार्च। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ऐलान, कहा बिना मांगे पंजाब के किसानों को समर्थन नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन की आज यूपी के सिसौली में बैठक होगी, राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता होंगे शामिल। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन का समर्थन को लेकर चर्चा की जाएगी, बड़ा फैसला कर सकते हैं किसान संगठन। हरियाणा से लगे दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस की सख्त निगरानी। बातचीत से ही निकलेगा समाधान, सरकार हर विकल्प पर विचार करने को तैयार, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्थायी समाधान के लिए जरूरी है कि किसान संगठन शांतिपूर्वक दूरगामी परिणाम के बारे में सोचे। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का फैसला, 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगाई रोक, एस्मा एक्ट लगाया। दिल्ली में आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, भारत मंडपम में सुबह 9:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं की होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे झंडा फहराकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत करेंगे, देश भर के करीब 11,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। पीएम मोदी का रविवार को दोपहर 2 बजे अभिभाषण, अधिवेशन में आए कार्यकर्ताओं को देंगे 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव हो सकते हैं पारित, सूत्रों के मुताबिक पहला प्रस्ताव हो सकता है राजनीतिक प्रस्ताव। बीजेपी अधिवेशन में दूसरा प्रस्ताव आर्थिक और सामाजिक विषय पर हो सकता है, प्रस्ताव में राम मंदिर से संबंधित विषय में किए जाएंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज वाराणसी में प्रवेश करेगी, राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। राहुल गांधी गदौलिया में जनसभा को करेंगे संबोधन, अपना दल और कबरेवादी की नेता पल्लवी पटेल होंगी न्याय यात्रा में शामिल। कांग्रेस की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 21 फरवरी तक चलेगी, राहुल गांधी पश्चिमी यूपी भी कवर करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तंज, कहा कि कोर्ट पर जनेऊ पहनकर चुनाव में घूमते हैं, चेहरे पर क्या है और मन में क्या है कभी साफ नहीं दिखता। न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा राहुल के कदम जहां जहां पड़े वहां कांग्रेस का अंत दिखा। बिहार के सासाराम में न्याय यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव, संभाली ड्राइविंग सीट, बगल में बैठे राहुल। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को राहुल का संदेश, मिलकर बीजेपी की नफरत के खिलाफ लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम बताया, कहा कि हमें नहीं पता है कि उन्हें ईडी का डर है या सीबीआई का। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को भरोसा दिया, कहा अगर कोई कुर्बानी देनी होगी तो तैयार है, देश का सौदा नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव बिहार में 20 से 29 फरवरी तक निकालेंगे जन विश्वास यात्रा, मुजफ्फरपुर से शुरू होगी यात्रा। तेजस्वी यादव हर दिन कम से कम 3 जिलों में यात्रा करेंगे, 17 महीने की महागठबंधन सरकार के काम का ब्यौरा देंगे। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, मंत्रिमंडल सचिवालय ने आरजेडी के विभागों की समीक्षा का दिया आदेश। नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने के सवाल पर लालू यादव ने कहा जब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, राहुल देश लूटने वाले और आरजेडी प्रदेश लूटने वाले, नीतीश अब लुटेरों के साथ नहीं। नीतीश के एनडीए में आने के बाद तेजस्वी बेरोजगार हुए, हम नेता जीतन राम मांझी का बयान। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस का नीतीश पर तंज, अलायंस में शामिल नए दलों की कोई गारंटी नहीं। बिहार विधान परिषद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राबड़ी देवी को चुना गया, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बने सचेतक। सीपीआई एमएल विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई, हत्या के मामले में सजा के बाद स्पीकर का फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, ईडी की याचिका पर कोर्ट ने तलब किया। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत पर चर्चा होगी, पहली बार शनिवार को होगी दिल्ली विधानसभा की बैठक। सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखा, कहा हमारे 21 एमएलओ को तोड़ने की कोशिश हुई, 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे विधायक टूटे नहीं है, सभी एकजुट जनता का आप पर विश्वास बरकरार।
दिल्ली विधानसभा से 7 बीजेपी विधायक निलंबित। सौरभ भारद्वाज ने कहा, विधानसभाएं संसद से प्रेरणा लेती हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश। सौंदेशखाली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। बंगाल में नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी और टीएमसी को सूट करती है ध्रुवीकरण की राजनीति। अधीर रंजन का अटैक। सौंदेशखाली में अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे। रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। सौंदेशखाली में पीड़ितों से ना मिलने देने की शिकायत की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पश्चिम बंगाल पुलिस को नोटिस। सौंदेशखाली में छोटे बच्चे दुर्व्यवहार का मामला। हरियाणा के रेवाड़ी से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा, 2024 में एनडीए सरकार 400 पार। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी को 370 सीटों से टीका लगाएगी जनता। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटाला से। देश दुनिया में मोदी की गारंटी की चर्चा। पीएम बोले, देश चाहता था राम मंदिर बने, आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी के 370 सीट के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी का इंडिया अलायंस से सवाल। सेक्युलर पार्टियां बीजेपी को रोक पाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज कसना। अखिलेश यादव को महंगा पड़ा। बीजेपी ने लखनऊ समेत कई शहरों में लगाई माफी मांगने के पोस्टर। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 67 आईपीएस अधिकारियों का सरकार ने ट्रांसफर किया। हल्द्वानी हिंसा के 9 वांटेड। नैनीताल पुलिस ने जारी किए पोस्टर। लोगों से खबर देने की अपील। दरभंगा के बहरा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प। जुलूस पर पथराव के बाद बड़ा विवाद। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी, एसएसपी और पुलिस बल के लोग पहुंचे। हालात पर काबू पाया। पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पूरे मामले में जांच जारी। बिहार के भागलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान कथित तौर पर पथराव के बाद बड़ा विवाद। कई समुदायों के बीच झड़प हुई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम। एहतियातन पुलिस बल किया गया तैनात। मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया। 8 किलो आईईडी बरामद किया। बरामद आईईडी को ब्लास्ट कर मौके पर ही किया गया नष्ट। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने लगाए थे आईईडी। मुंबई के बोरीवली इलाके में हादसा। पार्किंग में खड़ी 18 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगी। मौके पर धू धू कर उठी लपटें। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं। इटावा में तिलक समारोह में जा रही प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 7 यात्री घायल हुए। जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासन का अमला पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस में 55 से ज्यादा लोग सवार थे। बस के बेकाबू होने से हुआ हादसा। राजस्थान में पोखरण के आसमान में आज वायुसेना कदम दिखेगा। अभ्यास वायुशक्ति 2024 में राफेल, मिराज, सुखोई और तेजस सहित 121 विमान करेंगे शिरकत। अभ्यास वायुशक्ति 2024 में अपाचे, चिनूक, Mi-17, प्रचंड और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी लेंगे हिस्सा। थलसेना के साथ संयुक्त अभियान का भी होगा अभ्यास। इसरो आज लॉन्च करेगा अपना सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट InSat-3DS। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज शाम 5 बजे होगा प्रक्षेपण। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 15 गश्ती समुद्री विमान खरीदने की दी है मंजूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी के दूसरे नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के शेड्यूल में बदलाव। दोपहर 1 घंटे के लिए दिया जाएगा विश्राम। रूस में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलिनी को जेल में मौत हुई। 19 साल की सजा काट रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवलिनी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि पुतिन के भ्रष्टाचार के खिलाफ बहादुर से लड़े थे नवलिनी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट। 2 अरब 24 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब 617 अरब 23 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया रिपोर्ट। पेटीएम ने अपना मेन अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में उसे ट्रांसफर किया। ग्राहकों की लेन देन को जारी रखने के लिए किया अकाउंट ट्रांसफर। आरबीआई ने पेटीएम बैंक में डिपॉजिट की डेडलाइन बढ़ाई। अब 15 मार्च तक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकेंगे। इंग्लैंड ने राजकोट टेस्ट मैच में बनाई मजबूत पकड़। डकैट और जो रूट आज तीसरे दिन की पारी की करेंगे शुरुआत। टीम इंडिया की रणनीति इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने की होगी। राजकोट टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 445 रन बनाए। इंग्लैंड अभी भारत से 238 रन पीछे है। दूसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 207 रन बनाए हैं। राजकोट में इंग्लैंड ने किया काउंटर अटैक। बेन डकैट ने भारत के खिलाफ तूफानी शतक लगाया। डकैट 133 और जो रूट 9 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे के सबसे तेज 500 विकेट ये कारनामा करने वाले अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय बने। प्रधानमंत्री मोदी ने अश्विन को 500 विकेट की उपलब्धि पर बधाई दी। कहा, मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेडिकल इमरजेंसी के कारण राजकोट टेस्ट से बाहर हुए अश्विन। बीसीसीआई ने दी है अनुमति। अश्विन और जाडेजा के कारण भारत पर लगा 5 रन का जुर्माना। बल्लेबाजों के पिच के बीच में दौड़ने पर हुई कार्रवाई।